हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाली थी। ये बड़ा खुलासा किया है चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। जेपी दलाल ने दावा किया कि 2014 में मेरे साथ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी भाजपा में शामिल होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए और मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया, क्योंकि मैंने उस समय रिस्क लिया लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने जोखिम नहीं लिया। जेपी दलाल कहते हैं कि मैं बीजेपी में टिकट हासिल करने के लिए नहीं आया था, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आया था ताकि लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा कर सकूं, और मेरा मकसद भी यही था और इसी मकसद से मैं पार्टी में शामिल हुआ। लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। जेपी दलाल अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मुझे जितवाया, मेरी ताकत बढ़ाई और मेरे हाथों को मजबूत किया। मैं तब से लगातार आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदा थे उनका हर आदेश मैंने माना, और उनके निधन के बाद किरण चौधरी को अपना नेता मानकर उनके साथ काम भी किया। आपको बता दें कि जेपी दलाल जो है वो चौधरी बंसीलाल के परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। 2009 में लोहारू से इन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। जेपी दलाल साहब कहते हैं कि बीजेपी ने जो मुझे मंत्रालय दिया वो किसानों से जुड़ा हुआ है और मैं किसानों की हर समस्या से वाकिफ हूँ, इसलिए किसानों के हित में नई नई योजना लेकर आ रहा हूँ। हालांकि ये तो उनकी चुनावी बात थी, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले थे। ये बहुत बड़ा बयान जेपी दलाल ने दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जेपी दलाल के इस बयान के बाद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।